क्वेश्चन है, देयर आर टू फोर्सेस वेक्टर ऑफ 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, व्हाट इज देयर पॉसिबल मैक्सिमम रिजल्टेंट? मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है? जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो उस केस में रिजल्टेंट क्या आता है? मैक्सिमम, यानी कि दोनों फोर्सेस के बीच अगर थीटा क्या हो, 0 डिग्री, दोनों सेम ही डायरेक्शन में लग रहे हो, तो इन दोनों को ऐड कर दो, रिजल्टेंट मैक्सिमम उतना ही हो सकता है, यानी कि 2 + 3 = 5 न्यूटन मैक्सिमम रिजल्टेंट हो सकता है, 5 न्यूटन, दोनों को ऐड कर दो, जब थीटा दोनों के बीच अगर 0 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा? मैक्सिमम। व्हाट इज देयर पॉसिबल मिनिमम रिजल्टेंट? जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, तो उस केस में रिजल्टेंट क्या आएगा? मिनिमम रिजल्टेंट आएगा, तो यानी कि 2 - 3 = 1 न्यूटन, क्या आ जाएगा आपके पास? 1 न्यूटन। और व्हाट मस्ट बी एंगल क्या होगी जब रिजल्टेंट क्या है? √19। तो इस केस में आप फॉर्मूला दिखा दो, आर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट। तो रिजल्टेंट आपको दे रखा √19 इक्वल टू 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर प्लस 2 × 3 × cos थीटा पूरे का अंडर रूट। दोनों साइड स्केयरिंग करो, ये आ जाएगा 19, रूट कैंसिल हो जाएगा स्केयरिंग करने के बाद, स्केयर से रूट कैंसिल, लिया जाएगा 2 का स्केयर इधर भी कैंसिल, प्लस 3 का स्केयर प्लस 2 × 3 cos थीटा जगह 19 इक्वल टू 2 का स्केयर 4 + 9। इसमें दोनों साइड स्केयरिंग करोगे तो उस केस में आपके पास स्केयर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 19 इक्वल टू 4 + 9 प्लस 12 cos थीटा जगह 19 इक्वल टू 13 प्लस 12 cos थीटा 19 - 13 इक्वल टू 12 cos थीटा यह आ जाएगा आपके पास 6 इक्वल टू 12 cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6/12 यानी कि 1/2। तो थीटा की जो वैल्यू होगी, cos थीटा जो है वो आपके पास आया है 1/2, तो यानी कि थीटा क्या होगा? 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री जब होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा? √19।